कोर्ट परिसर में आवंटित वाहन पड़ाव पर अवैध कब्जा, सीएम को लिखा पत्र। नगर निगम द्वारा धनबाद कोर्ट परिसर में आवंटित वाहन पड़ाव पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है, जिसके विरोध में प्रभाकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मालूम हो कि धनबाद कोर्ट परिसर में सड़क पर वाहन खड़ा करने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए नगर निगम ने कोर्ट परिसर में ही एक खाली भूभाग पर वाहन पड़ाव आवंटित किया था। इन दिनों कुछ लोगों ने उक्त भूखंड पर सरकारी बाउंड्री को गिराकर कमरे का निर्माण कर लिया है, जो कि अवैध है, जिसके विरोध में संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी गई है, जिससे कि वाहन पड़ाव को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा सके। लेकिन पिछले एक वर्षों से मामले की सुनवाई नहीं होते देख प्रभाकर प्रसाद ने पत्र के माध्यम से अवैध कब्जा हटाने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। बताया जाता है कि एसडीएम कोर्ट कैंपस में नगर निगम के द्वारा वाहन पार्किंग आवंटित किया गया था, जिसके संचालक अमित सिंह, रतिलाल महतो, भोला साव एवं अन्य द्वारा किया जाता है, परंतु पार्किंग वसूली कर्ताओं के द्वारा पार्किंग स्थल में निर्मित बाउंड्री को गिराकर अवैध रूप से एक रूम का निर्माण कर कब्जा किया गया है, जो झारखंड सरकार की जमीन है, जो गैर कानूनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के संबंधित पदाधिकारी कब्जाधारियों से मोटी रकम लेकर कब्जा कराने में सहयोग कर रहे हैं। मामला है कि धनबाद नगर निगम के द्वारा एसडीओ कोर्ट कैंपस स्थित नगर निगम पार्किंग की वसूली करने के लिए रतिलाल महतो, भोला साह और अमित सिंह को दिया गया था, लेकिन इन लोगों के द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही है। जहां पे जो चिन्हित नहीं है जगह, उस जगह को पे भी वो लोग वसूली कर रहे हैं, और जहां पे पार्किंग स्थल दिया गया है वहाँ पर इनके द्वारा लोहे के शेड बनाकर उसमें पाइप उप लगा के एक अवैध रूम का निर्माण किया गया, जिसकी मैंने लिखित शिकायत नगर आयुक्त महोदय को 23/11/2020 को किया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः मैंने 3/9/2021 को भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी एक पत्र दिया है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा मांग यही है कि अवैध रूप से जो निर्माणित किया गया है रूम, वो किसी के भी द्वारा किया हो, लेकिन झारखंड सरकार की ज़मीन को जो हड़पने की कोशिश की जा रही है, इसको नाकाम किया जाए और अवैध रूप से जो बना हुआ है उसको अविलंब ध्वस्त किया जाए।